अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट की वीडियो में हम लोग ने देखा था किस तरीके से जो है वो आप प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है वो चैट जीपीटी के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी में एक इशू ये है कि जो अच्छी कमांड देगा, जो अच्छी प्रॉम्प्ट देगा, तो उसी तरीके से जो है वो आपको आउटपुट भी अच्छे देगा। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानी आवाम जिनको इंग्लिश नहीं आती या इवन के सबसे टाइप करना भी नहीं आता, चैट जीपीटी पे आप उर्दू, इंग्लिश, स्पेनिश जो भी आप लैंग्वेज में आप इनपुट देंगे आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन यह है कि कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। अगर आपकी कमांड अच्छी होगी तो आपको आउटपुट भी अच्छे आएंगे। लेकिन यह है कि हर बंदा जो है वो कमांड अच्छी नहीं दे पाता, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो आपको आउटपुट भी जो है वो कम आते हैं। तो उसका फिर सेकेंड ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, वो है फेसबुक ग्रुप, ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप में आपने करना क्या है, आप दराज के जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं आप उसमें आएंगे, यहाँ अपने ग्रुप में जाएंगे, सर्च करेंगे दराज, और जितने भी ग्रुप है जिसमें जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं उसको आप ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद आपने पोस्ट कर देनी है कि आपको अब होलसेलर चाहिए, ठीक है। तो आपने करना क्या है, मेंशन कर देना है अपनी नीच के आई मुझे, आप इंग्लिश में उर्दू में मुझे किचन गैजेट्स के होलसेलर चाहिए, ठीक है। अब आप अपना सिटी भी मेंशन कर दें, कौन सी सिटी से आपको चाहिए, कराची है, लाहौर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप इस तरीके से जो है वो आप जितनी भी दराज के ऑफिशियल्स ग्रुप हैं या जितने भी इसमें ज़्यादा मेंबर्स हैं आप वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो इस एक तरीका तो ये हो गया कि आपको जो है वो मासा पर होलसेलर मिल जाएंगे। लेकिन इसमें इशू क्या है, इसमें इशू ये है कि जो अक्सर जो होंगे वो होलसेलर नहीं होंगे, वो रीसेलर होंगे, यानी कि 80-90% आपके रीसेलर होंगे। अब रीसेलर क्या होते हैं, रीसेलर वो होते हैं जो होलसेलर से सामान लेके आपको जो है वो डिलीवर करते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट रख के आपको डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो ये एक इशू आएगा, तो आपने जो है वो इस चीज़ की पहचान कर लेनी है कि मेजॉरिटी जो है वो होलसेलर नहीं होंगे, ठीक है। एक तो ये मसला है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप मार्केट जाके विजिट करेंगे तो आपको वो बेहतर रहेगा। तो आपको मार्केट में भी आइडिया रहेगा कि इस चीज़ के प्राइस के, क्योंकि आप फेसबुक पर कोई बंदा आपको रेट देगा तो आपको उस प्रोडक्ट का रेट मालूम नहीं होगा। लेकिन मजबूरी है तो आप सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये कि आप एक आइटम है जो कि आपको मार्केट में होलसेलर के आप 3 महीने से आपने बातचीत की, अब वो आपको मिल रहा है 100 रुपये का होलसेल, ठीक है, समझ लें। आप 3-4 बंदे के पास और के ग्रुप में, उसने भी आपको 90 का रेट दिया है, किसी ने 100 का रेट दिया है, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब फेसबुक ग्रुप में होता है कि फ्रॉड भी ज़्यादा होते हैं। अब फर्ज करें एक बंदा जो है वो आपको रेट दे रहा है 90, 100, 90, 100 या 80, सही से एक बंदा आके बोलता है भाई मैं आपको 50 रुपये के लिहाज से जो है वो एक चीज़ दे दूंगा, यानी कि 50 रुपये का आपको एक पीस पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब आप ये करते हैं कि 50 वाले की बात को सुन लेते हैं, जो भी आपकी बातचीत होती है उसमें 50% आपको पेमेंट कर देते हैं। फिर होता क्या है, फिर आप हो जाता है फ्रॉड। क्यों, आप खुद देखें, जब एक चीज़ मार्केट में 90-100 रुपये की मिलती है उससे कम कोई सेल ही नहीं कर रहा, एक बंदा आके कह रहा है मैं आपको 50 रुपये के जो है उस चीज़ जो है वो आपको दे दूंगा। अगर वो आपको COD कर रहा है, कैश ऑन डिलीवरी, फिर तो सही है। लेकिन अगर आपसे वो एडवांस ले रहे हैं तो फिर आप ही गलती है, फिर आप ग्रुप में ये पोस्ट कीजिएगा कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि गलती है आपकी। जब एक चीज़ की मार्केट वैल्यू है ही नहीं, आप सस्ते के चक्कर में आप जब जा रहे हैं तो इसमें आप ही गलती है, ठीक है। तो अक्सर फेसबुक ग्रुप में होता यही है कि पाकिस्तानी जो आवाम है वो ये आती है सस्ते के चक्कर में सर्च करती है, सस्ते में बंदे मिलते हैं और उनको एडवांस पेमेंट करते हैं, उसके बाद क्या होता है बोल देता है इसने हमारा फ्रॉड किया, इसने हमें ये रेट दिया। तो गलती उनकी नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि जब 100-90 रेट के मार्केट में रेट मिल रहे हैं और आप 50 की तरफ जा रहे हैं तो आपको सोचिए अपना दिमाग इस्तेमाल करें, जब मार्केट में ये चीज़ है ही नहीं 50 रुपये की, तो आप किस तरीके से वो आपको दे रहा है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये अक्सर होता है और आप नए हैं मार्केट में तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके पास दराज सोर्सिंग का एक सेकंड मेथड आपका ये हो गया, पहला चैट जीपीटी हो गया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, और दूसरा आपका फेसबुक ग्रुप हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दराज पर किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं।